हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। जेपीएससी चाहता है पीटी में आरक्षण पर नियमावली कमेटी संशोधन को तैयार नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनी नियमावली में संशोधन चाहता है, इसकी स्पष्ट व्याख्या चाहता है। इसको लेकर जेपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा। उसके बाद सरकार ने नियमावली बनाने वाली कमेटी को ही जेपीएससी की मांगों पर विचार करने की जिम्मेवारी सौंप दी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक हुई। उसमें कमेटी के सदस्य वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे भी शामिल। लेकिन कमेटी ने अपनी पहली बैठक में नियमावली को दुरुस्त बताते हुए उसमें संशोधन से इनकार कर दिया। हालांकि आगे भी कमेटी की बैठक होगी जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वैसे जानकार बताते हैं कि जेपीएससी संशोधन के बहाने पीटी में आरक्षण के फॉर्मूले को लागू करना चाहता है, जिसको लेकर कमेटी तैयार नहीं है। कमेटी का तर्क है कि नियमावली को जेपीएससी ने मंजूर किया था। इस नियमावली पर हाईकोर्ट में भी लंबी सुनवाई हुई और अंतिम आदेश के बाद परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ। अब तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, इसलिए नियमावली में संशोधन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नियमावली में संशोधन किए जाने पर नए सिरे से विवाद खड़ा हो सकता है, मामला फिर कोर्ट में जा सकता है और नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इधर उम्र के कट ऑफ डेट को लेकर भी संशय है। सातवीं से दसवीं जेपीएससी के लिए वर्ष 2016 को कट ऑफ तय किया गया था, इसमें 2020 की रिक्तियां भी शामिल थी। अब 2022 में जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में 2021 की रिक्तियां भी शामिल होगी। विज्ञापन का प्रकाशन वर्ष 2022 में होगा। उस स्थिति में कट ऑफ डेट क्या होगा, इसको लेकर संशय है, क्योंकि उम्र के कट ऑफ डेट की गणना के लिए नियमावली बनी हुई है जिसमें जिस महीने में विज्ञापन का प्रकाशन होता है उसके अगले महीने की पहली तिथि को कट ऑफ डेट निर्धारित करने का प्रावधान है। उस स्थिति में अब 2022 में विज्ञापन निकलने पर कट ऑफ डेट क्या होगा, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए संशय पैदा कर रहा है।